अरे देखिए ये क्या समस्त 2028 में आने वाला मात्र 3 वर्ष शेष बचे हैं, तो हमारी जो स्थानीय अखाड़ा परिषद है ये 2003 में रजिस्टर्ड संस्था है और इस संस्था इस उद्देश्य से बनाया गया कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बिठाएं और साधु संत जो बाहर से आते हैं और स्थानीय साधु संत हैं उनकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए और बाहर से जो श्रद्धालुगण आते हैं उनकी व्यवस्था, स्नान करने के आते हैं तो उनकी समुचित व्यवस्था हो और हमारा मुख्य जो संतों का कार्रवाई हुई है वो शिप्रा के लिए है कि शिप्रा में स्नान करने के लिए सभी साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि 12 महीना शुद्ध जल शिप्रा होना चाहिए। सिंहस्त के टाइम तो ये बाहर से जैसे नर्मदा का पानी लाए थे वो उस समय शुद्ध हो जाता, लेकिन उज्जैन में क्या है कि तीर्थ स्थान होने से सोमवती अमावस होती है, शनिश्चरी अमावस होती है, उससे स्नान होता है। तो ये खान डाइवर्सन जो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ने मांग रखी थी उन्होंने मंजूर करी और 900 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर किए और ये खान डाइवर्सन अभी काम प्रारंभ हो गया है, वो पूरी हो जाएगी तो शिप्रा एकदम शुद्ध हो जाएगी, इसमें आचमन कर सकेंगे, ऐसा जल मतलब उसमें उपलब्ध हो जाएगा। और सिलारखेड़ी तालाब के लिए उन्होंने 900 करोड़ रुपए मंजूर किए ताकि उस तालाब में जल संग्रहित हो जाए और शिप्रा में समय समय पर जल छोड़ा जा सके शुद्ध जल। दूसरा है कि शिप्रा जो कुछ प्रदूषित होती है देवास के जो फैक्ट्रियों के पानी से, उसके लिए भी कमिश्नर साहब से हमारी चर्चा हुई तो वो भी पानी बंद हो जाएगा। और जो 13 नाले शहर के हैं जो शिप्रा में मिलते हैं ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस पानी को सुरासा के उधर ले जाएंगे तो शिप्रा एकदम शुद्ध हो जाएगी। तो हमारा अखाड़ा परिषद का दायित्व तो और कार्य यही रहेगा कि प्रशासन से साधु संतों की जो भी आवश्यकता है उसकी मांग को पूरी कराना और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो हमारा है उसमें तालमेल बिठा के कार्य करना। चूँकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो सिंहस्थ के टाइम पर आते हैं लेकिन उनके बताए अनुसार हम 11 वर्ष तक प्रशासन से काम करवा सकते हैं, इसलिए ये अखाड़ा परिषद का गठन है, रजिस्टर्ड संस्था है और इसमें कई हमारे महापुरुष का शरीर छूट गया तो उसकी जगह नवीन सदस्यों को उसमें लिया गया है। और हमने 28 तारीख का जो कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने साधु संतों के लिए स्थाई निर्माण करने के लिए जो परमिशन दी है उसके लिए हमारी एक मांग उनके साथ और है कि 1 बीघा ज़मीन भी अगर किसी संत के पास है तो उसमें भी स्थाई निर्माण की परमिशन दी जाए। हम 21 सूत्री मांग हम उनके सामने 28 तारीख को रखेंगे, 11 बजे का टाइम दिया है। तो उन्होंने जो ये संतों के हित में कार्य किया उसके लिए उनका स्वागत भी करेंगे और उनसे जो भी हम अलग मांग हमने रखी है उसको भी मनवाने का प्रयास करेंगे, तो कि उज्जैन की जनता को ऐसा लगना चाहिए कि बाहर से लोग आए वो अच्छा सोच बना के जाए, शिप्रा में स्नान करने की उनकी सुविधा हो, दूसरा महाकालेश्वर के दर्शन आसानी से हो, ये हमारी इच्छा है कि संत महात्मा को अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी मांग है।